साल भर में सबसे प्यारा होता है। हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्थडे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे विशेस के लिए ऐसी फुल स्क्रीन वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो के रेशियो को ले लेंगे। तो अभी इस 1:1 वाली रेशियो को ले लेते हैं। इसके बाद मीडिया पे क्लिक करके वीडियो में टोटल 7 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे एंड अब इन सब में स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड करेंगे। तो इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे एंड पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड एंड पोजीशन को। एंड अब इन सब में ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको गेट मोड में आ जानी है एंड फोटो गैलरी ट्रांजिशन इफेक्ट को डाउनलोड करना है। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड नीचे से 5th नंबर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो सारे में ऐड कर लेंगे। 5th हो चुका है तो फिर करेंगे 6th एंड इसके बाद 7 एंड लास्ट 8। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, एंड इसको 30 सेकेंड तक रख लेते हैं एंड अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से वीडियो की रेशियो को ले लेंगे। तो अब 9:16 वाली रेशियो को ले लेते हैं एंड अब मीडिया पे क्लिक करके जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट हुआ है उसको इसमें ऐड कर लेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको इक्वल रख लेंगे एंड इसकी विगनेट को ऑन कर लेते हैं एंड अब इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड करेंगे, इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड सेटिंग्स में आके 4 रख लेंगे एंड इसको एंड तक रख लेते हैं। एंड अब यहाँ पर वीडियो प्रोजेक्ट को ऐड कर लेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसको करना है ब्लेंड, तो इसको स्क्रीन करेंगे एंड अब जो वीडियो मीडिया में है इसको डुप्लीकेट एज लेयर करना है एंड टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस पिक्चर वाली वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे। ओके, एंड अब इसमें नेम की टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो नेम लिख लेते हैं एंड इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। एंड इसको भी लास्ट तक रख लेंगे एंड जहाँ तक टेम्पलेट वीडियो है वहाँ से बैकग्राउंड वीडियो को राइट साइड में ट्रिम कर लेते हैं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है और ये लिरिकल वीडियो है तो इसमें तो सॉन्ग चेंज नहीं हो सकती है। एंड अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो एंड इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार, आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं।